कि इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है। यादव जी, क्या वजह है कि आखिर हिंदू देवी देवताओं को शामिल किया? कांग्रेस देखिए, हमारे गौरवशाली अतीत को बात करके सामने लाने के लिए अगर रामायण के अच्छे पक्ष को ला रहे हैं तो भगवान राम का आदर्श जीवन सबके सामने है। जिस प्रकार से उनका अपना परिवार का, बंधु भाव का, जंगल के अंदर वनवासी रूप में उनका जीवन, सब जगह अगर वो प्रेरणादायी है, ऐसे में उनका पाठ्यक्रम में स्थान मिलता, विद्वान रिकमेंड करते हैं, सिलेबस में जगह बनती है, तो मुझे को लगता नहीं कि गलत कोई बात है। आइडियल पुरुष हैं हमारे जो हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन राम सेतु की बात करें, आप लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है वो एक, तो ये क्या इंजीनियरिंग में भी ये शामिल किया जाएगा? मुझे तो लगता है अगर विद्वान रिकमेंड करेंगे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा अमेरिका की जो बहुत बड़ी संस्था है नासा, उसने इस बात को रिकमेंड किया है। अब वो सिद्ध भी हो चुका है कि वो मानव निर्मित है। तो ऐसे कई ऐतिहासिक चीज़ें जिन चीज़ों को ला करके अपने गौरवशाली पक्ष को सामने लाते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। MBBS में ये संघ के पदाधिकारियों को शामिल किया गया पढ़ाने के जीवनी, अब जो है MBA BCOM में। तो सर, कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही कि भगवाकरण है। कांग्रेस अगर इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी और ये राजीव गांधी जी के नाम पर पूरे देश में वर्षों तक अपने नाम को लागू करती रही तो कांग्रेस का तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो हिंदू देवी देवताओं को पाठ्यक्रम में, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा BA BCOM में। अब लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्या ज़रूरत है, सीधे तौर पर BJP शिक्षा का फगवाकरण कर रही है। सरस्वती चंद्र, ETV भारत।